टीवी सीरियल अनुपमा में अब आपको बहुत कुछ दिखने वाला है। अनुपमा टीवी सीरियल की शुरुआत होती है एक भयंकर सपने से। दरअसल दोस्तों वनराज किसी को फोन करके उसे काम बता रहा होगा, ऐसे में थोड़ी देर के बाद अनुपमा के स्टॉल पर कुछ लफंगे अटैक कर देते हैं और उसकी आँख तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। अनुपमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच अनुपमा की आँख खुल जाती है तो उसको लगेगा कि ये तो सब सपना था। वो चैन की सांस लेती है। दूसरी तरफ दोस्तों अनुपमा और आशा भवन के सभी लोग ठेले पर काम करना शुरू करेंगे, तो उन्हें पहले ही अच्छा ऑर्डर मिलेगा जिसकी तैयारी सब मिलकर करेंगे। अनुपमा ये ऑर्डर डिलीवर करने का काम अनुज को देती है और बाला काका इसकी वजह से पूछेंगे तो वो बताएगी कि उसे अनुज का काम देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। अनुपमा बोलती है कि कैसे उसने अनुज को दिन रात मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन अब वो पूरे वक्त खाली होता है। अनुपमा के आश्रम में जहाँ खुशियाँ बिखर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में माहौल ख़राब होता जा रहा है। किंजल को पता चल जाएगा कि तोशो अपने दोस्तों से लाखों रुपए उधार ले रहा है और उन्हें कह रहा है कि वापस उसके पापा कर लेंगे। वनराज के पास जब तोशो के दोस्त का कॉल आता है और उससे पैसा मांगता है, तो वनराज गुस्से में काफ़ी लाल पीला हो जाता है। वो तोशो को बुलाकर उसकी क्लास लेता है। वनराज पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तोशो बोलेगा कि शाह निवास बेचकर जो पैसा आपको मिला था उससे मेरा भी हिस्सा है, उन्हीं पैसों से ये कर्ज चुका दीजिए। पाकि भी अपना हिस्सा मांगती है। तब वनराज कहेगा कि ये मेरे पिता का पैसा है, किसी को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। साथियों बच्चों को धमकाएगा भी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मेघा के घर में आध्या को एक शौक लगेगा। उसके डस्टबिन में अनु की रसोई नाम का जो पैम्पलेट है वो पड़ा होगा। हालांकि आध्या उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। तब तक वो मेघा के जाने पर अपने पिता से बोलेगी कि बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दें। वो खुद ही उसे कॉल करके ऑर्डर करने को कहेगी। वो कॉल करेगी लेकिन अनुपमा कॉल नहीं उठाएगी। ऐसे में सारा सामान खत्म हो जाएगा। अब कहानी कैसे आगे जाती है, क्या ट्विस्ट आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।